वीडियो लेट इसलिए आ रही हूँ क्योंकि अब मैं 12th में हूँ और स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने अभी तक छुट्टी कर दी थी और ये मेरा फर्स्ट डे था स्कूल जाने का, तो आई होप आप लोग समझेंगे और थोड़े टाइम तक वीडियो का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं वहाँ नहीं जा सकती। फादर इतने बुरे हैं। हाँ, ये कौन है? जिंगलांग, तुम आ गए? जी हो, क्या तुम खुश नहीं हो मुझे देखकर? ऑफ कोर्स नॉट, बट जिंगशन तुम यहाँ कैसे आए? फादर ने कहा था कि कोई भी अलाउड नहीं है यहाँ आना और जाना श्याम प्लेस में। मैं तुम्हें ये बताऊँ कि यहाँ जिंगलांग की इंजरी है ना, वो और ख़राब हो चुकी है। क्या? मैंने ब्लड स्मेल करा था जब मैं राइजिंग हॉल से जा रहा था ना इस इवनिंग में, क्योंकि मैं इम्पीरियल किचन जा रहा था। जब मुझे लगा, मैंने ज़्यादा नहीं सोचा था उस समय, आफ्टर ऑल मैं ही था जिसे उसे इंजरी दी है। तो मैं यहाँ आया था कि तुम्हें बता सकूँ। देन मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी जिंगलांग को ढूंढने के लिए अब, बट मैं कैसे जाऊँगी बाहर अगर जिंगशन यहाँ नहीं होता? मैं वहाँ टेलीपोर्ट कर लेती। डरो मत, मैंने गार्ड से ना जो बाहर उन्हें सुला दिया है, किसी को पता नहीं लगेगा कि कब हम आए और गए, तो तुम्हें सिर्फ सनराइज से पहले आना होगा। ओह, जाओ और जल्दी से वापस आ जाना, मैं नज़र रखूँगा तुम्हारे लिए। नज़र रखना तो क्वेश्चन से ही बाहर है। जल्दी से जाग जाओ गाइस, प्रिंसेस जो गायब हो गई हैं। क्या क्या हुआ? शीट, जाओ और महाराज को रिपोर्ट करो कि प्रिंसेस को अभी इमिजिएटली ढूँढें। जिंगलांग, मैं आ रही हूँ। हैं जिंगलांग, तुम ठीक हो? ये ग्रेट अबू, मुझे लगा कि तुम मरने वाले हो। ये सिर्फ छोटी सी इंजरी है और तुम मेरे बारे में इतना चिंता कर रही थी। यस, जिंगशन ने कहा था कि तुमने बहुत खून बह दिया है, तो मैं तुम्हें ढूंढने आई। मो जिंगशन, ये क्या चाहता है? नो मैटर व्हाट, जिंगशन ने तुम्हें इंजर्ड करा, मैं तुम्हें मदद करूँगी मेडिसिन अप्लाई करने के लिए, एक ताकि मैं जिंगशन के तरफ से तुमसे माफ़ी मांग सकूँ। ये सच में मेरे बारे में केयर करती है, राइट? जिंगशन, तुम अपने बट पे भी गिरे थे, मैं इतमाद अप्लाई कर दूँ? हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाकी सब अपने अप्लाई कर लूँगा। ये बहुत ही गलत है इतने इंटीमेट होना अपोजिट जेंडर से, तो ये दोबारा मत करना। ऑल राइट, यहाँ आओ, चले बुक एक साथ पढ़ते हैं। जिंगलांग के साथ टाइम स्पेंड करना सच में बहुत अच्छा है। मो जियो, ये फादर की आवाज़ है, वो यहाँ क्यों है? तुम सच में यहाँ हो? नो, मैं सिर्फ ये जिंगलांग को देखने आई थी। यहाँ आओ। हाँ फादर, ये दर्द हो रहा है। हिम्मत भी मत करो रोने की, मैंने तुम्हारे साथ अभी स्कोर सेटल नहीं कराया है। मुझे बताओ तुम यहाँ क्यों हो, यहाँ स्टेज के होस्टेज के साथ? फादर, आप बहुत बेमीन हो, रोज और रोलो, मैं यहाँ जिंगला को मार दूंगा अभी। जी उन्हें सच में, फादर को ने इस बार सच में दिमाग खराब कर दिया है। तुम कहाँ जा रहे हो जीरान? फादर फ्यूरियस है, और तुम अगर जाओगे ना तो तुम और मुसीबत खड़ी करोगे। ये ऐसा नहीं है कि जियो ने कुछ बहुत बड़ा क्राइम करा है, ये सिर्फ अपना कंसर्न एक्सप्रेस करने आई थी यंग जिंगलांग के लिए। वो हमारी बहन है और ये हमारी ड्यूटी है उसे प्रोटेक्ट करने की। हाँ, और जिंगशन, तुमने इमिजिएटली मुझे यहाँ लेकर आए ताकि मैं ड्रामा वो देख सकूँ, क्या तुमने इसमें कुछ करा है? तुम क्या बोल रहे हो? मैंने नहीं, बहुत हो गया, रोना बंद करो। मैं यहाँ जिंगलांग को नहीं मारूंगा, तो अब उठ जाओ। जेरी, मुझे प्रॉमिस करो कि आप झूठ नहीं बोल रहे। एक एम्परर होने के नाते इस कंट्री का मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं आपको प्यार करती हूँ फादर, फादर बेस्ट है इस पूरी दुनिया में। स्वीट डालकर, तुम्हें मेरी साइड रहना होगा और कहीं पर भी नहीं जाना होगा कुछ दिनों तक, समझ में आया? यस, मैं समझ गई। मुझे माफ़ कर दो जिंगलांग। सिर्फ ही ऐसे ही? जियो इतना गुड है दूसरों का फेवर विन करने के लिए।
यांगशिंग प्लेस। योर मजेस्टी हाइनेस एक्सीडेंटली ना गिर गई थी, उन्हें चोट लग गई, क्या आप उन्हें चंगा हॉल में देखना चाहेंगे? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं नहीं जा रहा। योर मजेस्टी ऑलमोस्ट एक यार साल हो चुके जब से आपने इनर प्लेस में स्टेप रखा है, और जो फॉर्मर डायनेस्टी मिनिस्टर है वो उसके बारे में चिंता कर रहे हैं। जो इनर प्लेस है ना वो हमेशा ही क्लोजली होते फॉर्मर डायनेस्टी के। योर मजेस्टी प्लीज़ अपने डिसीजन को दोबारा सोचिए। जिस कितना मुसीबत खड़ा है, रास्ता दिखाओ चंगा प्लेस का। यस योर मजेस्टी। फादर मुझे भूख लग रही है। फादर, ये फादर कहाँ चले गए? ओ मैं, आप अचानक से क्यों जगे प्रिंसेस ये लिंग? क्या तुम जानते हो मेरे फादर कहाँ गए हैं? महाराज अभी सिर्फ ही हाइनेस के प्लेस गए हैं। अगर आपको कुछ चाहिए प्रिंसेस ये, मैं आपकी मदद करती हूँ मैसेज को पास करने में। हे हाइनेस फादर, ओ नो, क्या होगा मेरी माँ के साथ अगर फादर किसी और के साथ होंगे? प्रिंसेस जो, आप कहाँ जा रही हैं? फादर मैं आपको बचाने के लिए आ रही हूँ। क्या शिट, अब तो ये ड्रामा होने वाला है। क्या मौत जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फादर और आई सपोज मेरे पास बहुत जल्दी एक छोटा भाई या छोटी बहन होगा। क्या नो, यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। तुम झूठे हो, बदलने का था जब एक आदमी हो और एक औरत ऐसे एक्ट करते हैं, इनके पास बेबी होता है, और इसी तरह से मैं दुनिया में आई थी। मुझे, मैं छोटा भाई या बहन नहीं चाहती। आगे कौन तुम्हें ये सब सिखाते है? ये औरत जिसने मुझे छोड़ दिया। डैम, इसे बाहर लेकर जाओ। श्योर, हाँ चलो चलते हैं प्रिंसेस, मैं नहीं जाना चाहती। मोजो तुम क्या कोशिश, क्या करने की कोशिश कर रही हो? सोने की, मुझे नींद आ रही है। मुझे तुम्हें चाहिए ताकि तुम, मैं सो सकूं। अगर फादर इस औरत के साथ सोएंगे तो माँ बहुत सैड होएंगी। तुम क्या, योर मजेस्टी अपने गुस्से को शांत करें। ये सेंसिबल नहीं है चूहों की तरह, बट मैं श्योर हूँ इसका मतलब नहीं था। कैसा होगा कि मैं इसे कुछ मैनर्स सिखा दूँ? महाराज है ना, वो जो रूड लोग होते हैं ना, उन्हें सबसे ज़्यादा उनसे नफरत करते हैं, और डेफिनेटली अग्री हो जाएंगे। तुम उसकी बर्थ मदर नहीं हो, तो तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है कि तुम उसे मैनर सिखा सकती हो? अगर तुमने ऐसा बोरिंग एक्सक्यूज़ दोबारा से यूज़ करा ना मुझे ट्रिक करके यहाँ लाने के लिए नेक्स्ट टाइम, फादर तुम उसका प्राइस पे करोगी। चलो चलते हैं। डैम इट, मैं एक्चुअली लिटिल ब्रैड के स्कैम के ऊपर है, क्या करूँ मैं? हम वापस आ गए। बाय फादर। क्या हुआ मुझे बताओ, क्या तुम ये आज जानबूझ के कर रही थी? क्या तुम मुझसे बदला ले रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें रात को डांटा था? ऑफ कोर्स नॉट, मैं जग गई थी और मैंने आपको नहीं देखा, तो मैं आपको ढूंढने गई थी। गुस्सा मत करो, एक स्माइल के बारे में कैसा होगा? मदर कहती हैं जब अगर तुम गुस्सा करते रहोगे तो तुम बदसूरत हो जाओगे। अब से मैं तुम्हारी माँ का नाम सुनना नहीं चाहता। ऑल्सो इग्नोर करो जो भी उसने तुमसे कहा है। फाइन, बट अगर तुम्हारी माँ तुम्हें रिप्लाई करती है याद रखना मुझे बताना। ऑल राइट, श्योर, मैं जानती हूँ वो अभी भी मेरी माँ को प्यार करते हैं। वेल फादर, क्या मेरे पास छोटा भाई या बहन होगा? अगर होगा तो आप मेरे बारे में और केयर नहीं करेंगे? मुझे ये नहीं चाहिए। सिली गर्ल, मेरे पास तुम और चूहो हो, ये ऑलरेडी मेरे लिए काफ़ी है। बट अगर तुम बिहेव नहीं करोगे मैं इमिजिएटली जाके तुम्हारे लिए एक छोटा भाई या बहन बनाऊँगा, और वो तुमसे भी क्यूट होंगे और ओबिडेंट होंगे तुमसे। तुम बहुत बैड हो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं गुड होंगी, स्टडी करूँगी। अब से उस रास्ते तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। राइट, गुड गर्ल।
ये बहुत लंबे समय हो गए जब से मैंने महाराज को इतना खुश देखा है। ये लिटिल प्रिंसेस सच में लकी स्टार है हमारे मोयन स्टेट के लिए। योर हाइनेस, महाराज ने एक ऑर्डर दिया है कि आपको इन दिनों अकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ राजनिंग हॉल में रेस्ट कर सकते हैं। समझ गया, आए फेयरवेल। यो हाइनेस, जो मैटर था ना कि वो डिस्केपले एम्बर इंजर करा है आपके हैंड को प्रॉपरली, और कोई भी आपको सस्पेक्ट नहीं करेगा हमारे इन्वॉल्वमेंट पे। आई सी, मैं अभी भी समझा नहीं, आपने फोर्थ प्रिंस के साथ, फोर्थ प्रिंस यान स्टेट के, जो यान स्टेट का फोर्थ प्रिंस है उसके साथ आपने हाथ क्यों नहीं मिला लिया उस एम्परर को मारने के लिए? इंस्टेड आपने उसे भागने का चांस दिया। क्या मैं उसे मार दूंगा? बट ये इस समय नहीं, इस डिस्कशन को यहीं एंड करते हैं, तुम जा सकते हो। समझ गया, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या मैं एक और भी चिकन लेग ले सकता हूँ प्लीज़? बट आपने ऑलरेडी डिनर खा लिया। प्लीज़, मैं अभी किचन जाती हूँ और किसी से कहती हूँ कि वो आपके लिए बना दे। बट आपको यहाँ वहाँ नहीं घूमना है। मैंने फाइनली इससे पीछे छुड़ा लिया। जीरान, मैं यहाँ हूँ, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, मुझे भूख लग रही है। ये चिकन ले गया आज के लंच से तुम्हारे लिए, थैंक यू। क्या हुआ जीरान? मैं तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। तुम राइजिंग हॉल में कैसे आ गए थे लास्ट नाइट? मैं अपने जगह जा रहा था रेस्ट करने के लिए, बट मैं रास्ते में जिंगशंग को मिला। वो कह रहा था, तो उसने कहा कि राइजिंग हॉल में ना कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है देखने के लिए, तो मुझे वहाँ लेकर चला गया था। जिंगशंग को कैसे पता कि राइजिंग हॉल में क्या हो रहा है? और उसने कहा था कि जिंगलैंड है वो सीरियसली इंजर्ड है, बट जिंगलैंड तो बिल्कुल ठीक था कि ये तो नहीं जिंगशंग ने मुझे ट्रिक करा है। जी रान जी, हाँ तुम क्या विस्प कर रहे हो? जियो, तुम आज इतनी क्यूट लग रही हो, कम और मुझे एक हक दो। नो जिंगशा, मेरे पास एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, तुमने मुझसे क्यों छूट बोला? तुम कह रहे थे कि जिंगा सीरियसली इंजर्ड है और तुम फादर को भी वहाँ लेकर आए थे। जियो, तुमने गलत समझे, जब तुम राइजिंग हॉल चली गई थी कल, मैं तुम्हारे बारे में चिंता करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, तो मैंने जोरंग से कहा कि मेरे साथ चले तुम्हें देखने के लिए। हमने कॉन्स्टेंटली फादर को रास्ते में मिल गए। रियली, क्या मैंने सच में गलत इंजाम लगाया जिंगशा पे? ओ नो जिंगशा, जीरान मुझे अब जाना होगा, गुड बाय। बाय जिंगशा, क्या तुमने जानबूझ के करा? फर्स्ट तुमने जियो से कहा राइजिंग हॉल जाने के लिए, फिर तुम फादर को वहाँ लेकर गए उसे देखने के लिए, और फिर तुम मुझे भी वहाँ। क्या तुम इतने बुरे हो कि तुम जियो को बार बार डेंजर में डाल रहे हो? जीरान, ये रूड है, हम भाई हैं आफ्टर ऑल, तुम उसके साइड क्यों ले रहे हो मेरे अगेंस्ट? तो तुम एडमिट करते हो कि तुमने ये चीज़ें करी हैं जो बर्थडे बेनिफिट पे हुआ था उसे भी इंक्लूड करके? यस, मैंने करा है, तो क्या हुआ? तुम सारे के सारे मुझसे रिश्ता तोड़ोगे मोजियो की वजह से? सॉरी, तुम क्या मेरे साथ रिश्ता तोड़ोगे मोजियो की वजह से? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने तुम्हें बोला था उसे चोट ना पहुंचाने के लिए। तुम जिंगशा, तुम जियो को एक्सेप्ट करने का ट्राई क्यों नहीं करते? वो इतनी बैड नहीं है, वो बैड नहीं है जैसा तुम इमेजिन करते हो। मैं सिर्फ जीसू के ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें मोजियो से दूर रख सकूँ। क्या तुम जीसू की बात नहीं मानोगे और उसका दिल तोड़ोगे? वेल, ये पॉइंटलेस है और कहने का। अब मैं तुम्हें आज के लिए नहीं, आज के जो तुमने करा है ना मेरे अगेंस्ट, मैं उसके लिए तुम्हें कोई चार्जेस नहीं करूँ। जिंगशा, क्या तुम अपनी बीमारी क्योर नहीं करना चाहते? मैं जानती हूँ सीक्रेट है कि तुम कभी बात नहीं करना चाहते इसके बारे में, बट तुम्हारे छोटा भाई होने के नाते मैं अभी भी होप करता हूँ कि तुम अपनी खुशी ढूंढ सको। जियो एक चेयरफुल लड़की है और वो तुम्हारी बीमारी को शायद ठीक कर पाए। वेल, सिंस तुम मेरी कंडीशन के बारे में जानते हो, तुम्हें ये भी पता होगा कि यहाँ पे कोई क्योर नहीं है इस डिसीज़ का इस दुनिया में। इसे कौन सी बीमारी है गाइस? क्या फादर ने उनकी मॉर्निंग कोट फिनिश कर लिया? क्या वो वापस आ गए?
के फादर को पता चल गया कि मैं बाहर गई थी। तुम बाहर क्या कर रही हो, क्या मैं तुम्हें इनवाइट करूँ अंदर आने के लिए? फादर गुस्सा मत करो, मैंने मेरे पास कुछ कैंडीज हैं। मैं गुस्सा नहीं हूँ, तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम एक होमलेस चाइल्ड होगी, इसीलिए तुम कभी घर में नहीं रहते। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कहा कि तुम गुस्सा नहीं हो, बट तुम्हारा फेस इतना डार्क है, तुम क्लियरली गुस्सा हो। लिटिल प्रिंसेस सच में अपने मन की बोलती हैं। एक किस और तुम और गुस्सा नहीं हो गए। अपने आप को बिहेव करो। मैं गुड हूँ, प्लीज़ मुझे हिट मत करो। इसे अभी भी याद है पहले क्या हुआ था। जाओ लंच प्रिपेयर करो, मैं जियो के साथ लंच करना चाहता हूँ। यस योर मजेस्टी। इसे खाओ, ये डिलीशियस है। और यहाँ पे बिग चिकन लेके और बिग चिकन विंग। तुम एक अटेंटिव होने वाली हो, तुम्हें क्या चाहिए? फादर, क्या मैं स्कूल जा सकती हूँ कल? मैं उस शिवम प्लेस में बहुत बोर हो चुकी हूँ। नो, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम यान जिंगला को ढूंढना जाना चाहती हो? तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो फादर, बट अगर मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, यहाँ पे मेरे दिल के अंदर अकेलापन खालीपन रहेगा। सिर्फ पढ़ाई ही मुझे हैप्पी कर सकती है। तुम कब से इतनी ऐसी स्टूडेंट बन गई? मैं सच में स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अच्छे से स्टडी करूँगी, मैं एब्सोल्युटली कोई मुसीबत खड़ी नहीं करूँगी। प्लीज़ शांत हो जाओ और अपना खाना अच्छे से खाओ। तो क्या आप एग्री हुए हैं? नहीं, तुम्हें क्या लगता है? ये आप बेस्ट फादर हैं हमेशा के लिए, यू लिटिल ट्रिकस्टर। देन आप उस ट्रिकस्टर के फादर हैं। यहाँ आ रही है एम्प्रेस। ग्रीटिंग योर मेजिस्टी। राइज। अच्छा, उसे क्या हुआ? चिया का होमवर्क है ना, वो हो चुका है और उसने कहा कि वो यहाँ लाना चाहती है ताकि आप इसे चेक कर सके। मैं उसे रोक नहीं पाई तो मैं उसे यहाँ लिया। कम ऑन चिया, अपना होमवर्क निकालो प्लीज़। इसे देखिए, तुम्हारे फेस को क्या हुआ? मैंने एक्सीडेंटली गिर गई थी, बट ये सीरियस नहीं है। चिया हमेशा प्रिंसेस जिया के बारे में बोलते, कहते हैं कि उसके साथ खेलना चाहती है। तुम दोनों जाओ खेलो, मैं यहाँ महाराज के साथ रहती हूँ। मैं नहीं चाहती। चिहू फाइनली उसके पास चांस है फादर को देखने के लिए, और हमें मिल करना चाहिए फादर के साथ, राइट चिहू? ये टब्लोस अंकल। ओह वेल, मैंने अभी कुछ सूप बनाया ताकि आपको आपकी एनर्जी को रिप्लेस कर सकूं। आप आपके पास हेल्दी बॉडी और सब कुछ स्मूथली हो योर मेजेस्टी। जंक्शन शिप, मैं इसे पीना नहीं चाहता। जो सूप है ना कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, तुम्हें खुद रह सकती हो। क्या मैं कुछ ले सकती हूँ? ये सूप है ना डिलीशियस लग रहा है, मैं सच में ट्राई करना चाहती हूँ। वेल, तुम्हें चाहिए तो ये सूप तुम्हारा है योर मेजेस्टी। मैं, ओह डियर, मुझे माफ़ करना, मैंने पूरा पी लिया एक ही में। मुझे लगता है गाइस ने कुछ तो ड्रग्स डाले हैं। ये सूप था महाराज के लिए, था इस ट्रबलसम गर्ल के लिए नहीं। इसने ऑलरेडी इतनी क्राफ्टी है, इतनी चालाक, इतनी यंग एज पे, ये क्या होगी जब ये बड़ी हो जाएगी? तुम मेरी बेबी गर्ल हो, सिर्फ मुझे फ्यूचर में बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए बिना किसी हिचकिचाहट के। तो क्या चूहा मेरे साथ आज सो सकती है? ये बहुत समय हो गया है ना चूहा। चूहा शाम प्लेस में बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ हैं, हम पेंट कर सकते हैं। क्या इसने नोटिस नहीं करे मेरे फेस पे? क्या इसने मेरे जो स्कार है मेरे फेस पे वो नोटिस कर लिया और मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती है? शैम प्लेस में आज के लिए रुको, मैंने तुमसे बहुत लंबे समय से बात नहीं करी है। ये ऐसी बहुत अच्छा है। क्या तुम्हारे पास और कुछ करने के लिए है? नो, मैं अब जा रही हूँ। आउच, दर्द हो रहा है। शैम, मेरे पास एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। क्या एम्परर ने इंजरी तुम्हारे फेस पे करी है? नो, ज़्यादा मत सोचो। तुमने आज तुमने उससे उल्टा बोला, क्या तुम डरती नहीं हो वो तुम्हें फ्यूचर में हार्ड टाइम देंगे? मैं थोड़ा डर गई थी, जैसे उसने हमारी तरफ देखा था या ऐसा था कि हमें काटना चाहती, बट मैं वहाँ कुछ कर नहीं सकती थी। तुम क्या सोच रही हो? तुम जान मैं जानती हूँ तुम
तुम्हें यहाँ पे मतलब घर में ही कैद करा गया कुछ दिनों के लिए, क्योंकि तुम अच्छे से नहीं रह रही थी। अब से ओबिडेंट रहना, ठीक है? समझ में आया? तुम सबसे क्यूटेस्ट हो जब तुम ऐसी होती चाहिए हो। क्या तुम ऐसा सोगी? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बड़ों का मैटर इससे तुमसे हाइड करना होगा जब तक मैं यहाँ हूँ। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। जियो। जिंगलैंग, मैं स्कूल में वापस आ गई। हाँ, वो कहाँ है? सर्च करने की परेशानी मत लो, यहाँ जिंगलैंग को फादर ने घर में ही कैद कर दिया है। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। थैंक यू। मैं सोच रही हूँ जिंगलैंग कैसे कर रहा होगा। आई होप फादर उसे ज़्यादा हार्ड टाइम ना दे रहे हो। ओह, आई होप जिंगलैंग ठीक हो। मौत जियो, तुम इसके साथ फिर से क्यों हो? मोशियो, तुम कुछ ज़्यादा और भी नहीं बने? जी हाँ, सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है। अगर फिर भी जियो मेरी नहीं है, ये तुम्हारी जगह नहीं है मुझे जज करने के लिए। देन जियो को डिसाइड करने दो। तुम किसे ज़्यादा पसंद करते, जियो और मुझे? मैं हमेशा ऐसे सिचुएशन में क्यों कैचअप हो जा सकती हूँ? कैसा होगा कि तुम रॉक पेपर सीजर खेलो? और चलो ये करते हैं, रॉक पेपर सीजर। ग्रेट, मैं जीत गई। चलो चलते हैं। मोह जिंगशन से दूर रहो, वो अच्छा इंसान नहीं है। प्लस इसे ऐसे ड्रॉ करना चाहिए और ऐसे। क्या हुआ, तुम आज खुश नहीं लग रही? वेल, ये बड़ी बात नहीं है रियली। मैंने सिर्फ नोटिस करा कि ना सब लोग जिंगशन के अगेंस्ट हैं। जिंगशन के साथ क्या गलत है? उसे कोई क्यों पसंद नहीं करता? जियो, अगर तुमसे कोई झूठ बोले क्या तुम गुस्सा होगी? ऑफ़ कोर्स, मदर कहती है जो झूठ बोलते हैं ना, वो जो झूठ बोलना गलत है और वो तुम्हें एक बैड इंसान बना देते हैं। हाँ, हम क्या कर रहे हैं? यहाँ इस स्क्रीन के पीछे छुपो, आवाज़ मत करना, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊँगा। ऑल राइट, लॉन्ग टाइम नो सी शियो। क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुमने एक्चुअली मुझे जॉइन प्लीज बुलाया? ऐसे बकवास करना बंद करो। मेरे पास सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्या तुम थे जो तुमने बर्थडे बेनिफिट पर लास्ट टाइम ट्रबल करी थी? ओ आई सी, मुझे तुम्हारे पास आई थी, राइट? तुम दोनों क्लोज लग रहे हो। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, उसे कुछ नहीं पता। ऑल राइट, सिंस हम भाई हैं, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। यस, मैं था उस मेरे जो बर्थडे बैनिक्विट पे पार्टी पे होता ना, उन सारी मुसीबत के पीछे। तुम मैंने किसी से कहा था कि टाइगर को ड्रग कर दो। मैं जानता था वो मेरे डायरेक्शन में चेंज करेगा जब मैं उसका कैटपिन लूँगा। इस रास्ते ये मोजियो को हट कर देगा और मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेनी होगी। बहुत हो गया जिंगशा, तुमने अपनी ये मिशीविस यूज़ करी। बट तुम मिशीविस थे, बट तुम ऐसे नहीं थे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? शी जिंगशा, मैंने सब कुछ सुन लिया। फाइट करना बंद करो, फादर खुश नहीं होंगे ये सब देख के। रो मत, हम फाइट नहीं करेंगे। मोजियो मोजियो, ये यहाँ क्यों है? जियो, मैं मजाक कर रहा था शी के साथ। कम ऑन, मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। मुझे टच करने की हिम्मत भी मत करो। जिंगशन, ये सब सच है? तुमने मुझसे छूट क्यों बोला? यह सब सच है तो क्या हुआ? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर तुम क्यों? जियो, क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? कम ऑन, हमें कुछ फूड चाहिए। जो किचन है ना, कुछ पेस्ट्रीज प्रिपेयर करी है उन्होंने, तुम डेफिनेटली उन्हें पसंद करोगे। स्ट्रेंज, उसके सैड फेस को देखते हुए मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि आंसू मेरे बाहर आए? बट मुझे तो इमोशनलेस होना चाहिए था ना, ये कैसे हो रहा है? एम्पल गार्डन, शी तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने रोना बंद कर दिया, मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें पहले बोला था कि जिंगशन के क्लोज मत जाना, वो एक हार्टलेस विलेन है, एक बहुत बुरा वाला। बट उसने क्यों करा? शी का क्या मतलब है हार्टलेस से? जिंगशन, जिंगशन पैदा हुआ था उस एबिलिटी के साथ जहाँ वो इमोशन फील नहीं कर सकता। जब वो यंग था तो फादर ने उसे
हर कैपिटल के डॉक्टर के पास लेके गए, बट उनमें से कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। ये सब कहते थे कि जिंगशेक एक मॉन्स्टर है जो एक डिज़ास्टर बनेगा मोहन स्टेट पे। ग्रेजुअली फादर ने जिंगशेक के ऊपर हार मान ली और उसे अलाउ नहीं करा और जिंगशेक को अलाउ कर दे महल में ग्रो होने का, ताकि वो सिर्फ खुद तक रहे। इसीलिए जिंगशेक ऐसा बन गया जैसा वो अब है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कराता कि जिंगशेक के पास ऐसा पास्ट होगा। मैं सोच रही हूँ कि माँ जिंगशेक को क्योर कर पाएंगी। माँ जियो, तुम यहाँ क्यों हो? मैं जियो को खेलने के लिए लाया था, उसने स्कूल फिनिश कर लिया है। तुम यहाँ किस लिए हो? मैं उसे देखने के लिए आया हूँ, स्टडी के लिए। ये दोनों माँ जियो ऐसे लगता है ये भी रोई है। हम आज पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, काम मान चलो रिलैक्स करते हैं। हाँ, क्या तुमने फ्रिश कर लिया तुम्हारा ड्रिंक? मेरा फेस ना स्माइल करने से ना अकड़ गया है। डन, देखो मुझे देखने दो। क्या तुमने देखा कि बहुत लाइफ लाइक नहीं है? जिंदा सी मोचियो, आखिरकार तुमने ऐसा क्या ड्रॉ कराया? ये क्या मेरा सर सच में इतना बड़ा है और मेरी आंखें, मेरी नाक, तुम इतनी हार्श हो? मेरा मतलब नहीं था तुम्हें ऐसा अगली ड्रॉ करने के लिए। तुम्हारे बारे में क्या है श्याम जिंगियो? इसे यहाँ दो। फाइन। वाओ गाइस, इसने तो अच्छे में सही में अच्छी ड्रॉ करी है। वाओ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम इतने स्किल्ड हो गए। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अच्छा काम करा है ना? ये सही नहीं है। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ मुझे ड्रॉ करते हुए। ऑल राइट, मैं ड्रॉ करती हूँ। जियो फाइनली अब हैप्पी है दोबारा से। प्रिंसेस जियो, आप यहाँ हैं? हाँ, क्या हुआ? आपको यंगशिप प्लेस जाना है महाराज, वरना किसी को भी मार देंगे। यंगशिप प्लेस? इडियट, तुम किसी काम के लायक नहीं हो। यो हाइनेस, शायद मुझे आपको वापस ले जाना चाहिए। मैं महाराज को शांत करने की कोशिश करता हूँ। यो हाइनेस प्लीज़ गुस्सा मत करिए। और महाराज, ये सारे है ना मेरे ऊपर छोटे चार्जेस है, प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने आपको मिस करा तो मैं यहाँ आ गई। क्या आप खुश नहीं हैं मुझे देखकर? बातें करते रहो। यस योर हाइनेस, यस योर मैजेस्टी। मेरे पास एक बुक है जो कंटेंट करती है इंफॉर्मेशन के कि हमने जो डिजास्टर रिलीफ के फंड्स कैसे करें, बट मैंने एक खो गई थी इस मॉर्निंग में, किसी ने चुराई होगी ताकि वो चांस ले सके और मुझे फ्रेम कर सके, मतलब मुझ पर झूठे चार्जेस लगा सके। प्लीज़ मैं आपसे भीख मांगता हूँ योर मैजेस्टी से इन्वेस्टिगेट करें। क्या फादर, एक कैंडी लो। हाँ फाइन, भूल जाओ, ये तुम्हारे मिस्टेक है। तुम उस जो भी इंसान है ना इसके पीछे उसे पकड़ोगे, अदरवाइज मैं तुम्हारी कर्तन उड़वा दूंगा। यस योर मैजेस्टी, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि लिटिल प्रिंसेस ने महाराज को एक कैंडी के साथ गुस्सा कम करवा दिया। कितना लकी है हमारा मोहन स्टेट की अब हमारे पास प्रिंसेस है। आप क्या बात कर रहे थे फादर? आपका क्या मतलब है डिज़ास्टर रिलीफ से? यहाँ पे ना मतलब एक अकाल आया है और बहुत सारे लोग ना इसकी वजह से सह रहे हैं। ये जो ओल्ड पास्टर है ना, अभी भी जो ब्लेम है ना एक दूसरे के ऊपर पुश कर रहे हैं। मुझे पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, बट मैं जानती हूँ जो पीपल होते हैं ना गवर्नमेंट के पॉलिसी सेंटर होते हैं वो, और जो मोनार्च होते हैं वो उनकी उन लोगों की मदद करते हैं ताकि वो अपना होनर वापस ले सके। रिस्पेक्ट भी तुम कोई इंपीरियल कोर्ट से जस्टिफाई करेगा महाराज को देखने के लिए? ग्रीटिंग योर मैजेस्टी, मैं हूँ ली शोकिंग, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। तुम खड़े हो सकते हो। क्या हुआ? वाओ, ये आदमी कितना क्यूट है। ही फर्स्ट टाइम है किसी ने किसी को ऐसा कहा है। मैंने रोड चेक करा था जहाँ पे आपको अटैक करा गया था और इसलिए मिला है मुझे। क्या तुम जानते हो किसे बिलोंग करते हैं? मुझे माफ़ कर दीजिए पर मैंने अभी इस सिल्वर नीडल का ओनर नहीं ढूंढा है। हाँ, और इस पैटर्न है ना जो इस नीडल्स पे इसे जज कर, नीडल्स यानी कि ये गाइस सुई है, ये इसे जज करने पे इस पे जो पैटर्न्स है मुझे नहीं लगता कि हमारे मोहन स्टेट में बना है। ऑल राइट, मुझे पता बताना जब तुम्हें कुछ पता लगे। अब तुम जा सकते हैं। यस योर मैजेस्टी, वो ऑलरेडी चला गया, तुम अभी भी उस डायरेक्शन में क्यों देख रही हो? आप मुझ पर क्यों चला रहे फादर? मुझे बस थोड़ा सा क्यूट लगा वो।
वे आदमी तुम्हारे लिए काफी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट वन लेकर आऊंगा जब तुम बड़ी हो जाओगी। ओके थैंक यू फादर। तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, तुम्हें प्रेजेंट के उसमें क्या चाहिए? मुझे प्रेजेंट नहीं चाहिए, मेरे पास आप, पोछी हैं, ऐशी हैं और दूसरे लोग भी, ये मेरे लिए काफ़ी है। पर मैं हूँ और जो बिग बॉयज हैं स्कूल में उनके साथ पढ़ना चाहते हूँ, क्या आप मुझे अलाउ करेंगे? नो तुम अभी भी एक बच्ची हो, तुम बड़े लोग बच्चों के साथ पढ़ के ना मिडिल स्कूल में सिर्फ एक मजाक बनाओगे अपना, मैं अलाउ नहीं करूँगा। अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। फाइन मैं वहाँ स्टडी करने दूंगा अगर तुम एक एग्ज़ाम पास कर सकती हो। तुम उससे अगर उससे पहले नहीं कर सकते, मैं तुमने मुझे सुना? फादर सोचते नहीं हैं कि मैं कर सकती हूँ। मैं ये पास करूँगी और फिर अपने फादर की नोज़ पे रब करूँगी। फाइन मैं एग्ज़ाम लूँगी, मैं डरती नहीं हूँ। ब्रेव जियो। तो अब से मैं खुद ही बहुत हार्ड स्टडी करूँगी। ये क्वेश्चन कितने डिफ़िकल्ट हैं, मैं प्रॉपरली उन्हें स्किप कर दूँगी। हाय फिश, चलो जाके खेलते हैं। क्या फिश पढ़ रही है? ये स्ट्रेंज है, ये बीमार तो नहीं? हे मुझे टच मत करो, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ स्कूल जा सकूँ। और रट मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, इसके साथ मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ग्रेट थैंक यू शे। ये कहाँ गई, अभी तक वापस क्यों नहीं आई? क्या हुआ योर हाइनेस? मैंने पूरे दिन पढ़ा फिर भी एक सिंगल क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाया, मैं इतनी थक गई हूँ। क्या ये पढ़ रही थी? आपको अब सो जाना चाहिए योहानस, मैं आपको अंडरस करती हूँ, मदद करती हूँ। नो मैंने अभी आज के जो लर्निंग मटेरियल्स है ना वो ख़त्म नहीं करे, मैं अभी सोने नहीं जा सकती। ये लिटिल प्रिंसेस पढ़ने से कब से इतना पसंद करने लगी, ऑब्सेस्ड हो गई यानी कि? योर मजेस्टी, क्या जिया सोने गई? नो हे हाइनेस ने सोने से मना कर दिया, उसने कहा कि वो स्टडी कंटिन्यू करती रहेंगी। क्या इसका सच में मतलब था? देखो तो ये कितनी ज़िद्दी है, ये अपनी माँ की तरह है। मैंने ख़त्म कर लिया। माँ देखो तुम्हें मेरी हैंडराइटिंग के बारे में क्या लगता है? ये ठीक इतनी अच्छी नहीं है मेरी तरह। तुम इतना हार्ड ट्राई क्यों कर रही हो? तुम्हारे पास ऑलरेडी राइट है ताकि तुम मेरे हैरम को चला सको। मैंने चाहती कि लोग मुझ पे वैसे देखें, नीचा देखें। मैं तुम्हारे तरह अच्छी होना चाहती हूँ, मैं तुम्हें भी पीछे छोड़ना चाहती हूँ। इन रास्ते से मैं फर्स्ट एम्प्रेस होंगी जो एक एम्प्रेस से बेटर होगी। सैंगली तुम मुझे उस दिन छोड़ के क्यों चली गई? ग्रेजुएटर चेयर को बता दो कि जो क्वेश्चन है ना कुछ ज़्यादा हार्ड ना रखें कल के एग्ज़ाम के लिए। क्या ये दूसरों के लिए फेयर नहीं होगा? जैसा मैंने कहा है वैसा करो। यस योर मैजेस्टी। मैंने डन हो गई मिस्टर चैन। ओके मुझे देखने दो। कॉन्ग्रेचुलेशन योर हाइनेस, आपका सारे आंसर सही हैं। रियली ग्रेट, मैं अपने फादर को बताऊंगी कि मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया। मैं इतने ग्लैड हूँ कि मैं चूहों के साथ अब से स्टडी कर पाऊँगी। क्या उसे एम मिला है? तुम्हें नहीं लगता किसने चीटिंग करी है क्या? तुम मैंने नोटिस करा था कि इसका जो पेपर है ना वो हमारे से डिफरेंट है, शायद महाराज ने। मैंने चीट नहीं करा है योर हाइनेस। आपको अपने सीट पर वापस जाना चाहिए, हम क्लास रिज्यूम करेंगे बाद में, मुझे फादर को देखने जाना है। हेलो एवरीवन, ये वाला एपिसोड यहीं तक था। आई होप आपको पसंद आया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भेजिए। थैंक यू।